डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग उदयपुर द्वारा जारी की गई क्लास 12th इंग्लिश वर्कबुक के अंतर्गत वर्कशीट 9 का अध्ययन करेंगे, जो कि ग्रामर के टॉपिक प्रपोजिशन पर बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, यानी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें हमें राइट प्रपोजिशन या अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज करना है। कोष्टक में आपको कुछ प्रपोजिशन दिए गए हैं जो सेंटेंस में आएंगे। सेंटेंस 10 है, प्रपोजिशन आपके 10 नहीं है, यानी 7 और 8 है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी प्रपोजिशन है वो रिपीट हो सकता है। बिहाइंड यानी पीछे के लिए, इनसाइड भीतर, ऑफ का के की यूज के रूप में, बिटवीन दो के बीच में, इन के भीतर, के अंदर या के भीतर स्थिति दर्शाने के लिए, अपोजिट के विपरीत, एट स्थिति या समय, घड़ी के समय को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं सामान्यतः। तो आइए हम सेंटेंस पढ़ें और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोष्टक में दिए गए इन प्रपोजिशन को हम यूज करें। इसके अलावा हमें कोई यूज नहीं करना है क्योंकि कोष्टक में यही दिए गए हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस है द टेम्पल इज ब्लैंक द गार्डन, तो हम यहां यूज कर सकते हैं इन भी यूज कर सकते हैं इनसाइड, तो हम यहां यूज कर सकते हैं इनसाइड, तो द टेम्पल इज इनसाइड द गार्डन या इन द गार्डन, बोथ आर राइट। नेक्स्ट है राइट ब्लैंक द गार्डन, ए गार्डन इज ए डेयरी शॉप, यानी बिल्कुल गार्डन के राइट साइड में एक डेयरी शॉप है, तो यहां पर हम यूज करेंगे अपोजिट भी यूज हो सकता है और इसके पीछे बिहाइंड भी यूज कर सकते हैं, यानी बिल्कुल गार्डन के अपोजिट या गार्डन के पीछे, तो हम यहां यूज कर ले एक यूज बिहाइंड, अदरवाइज हम यूज अपोजिट भी कर सकते हैं। तो राइट बिहाइंड द गार्डन इज ए डेयरी शॉप, यानी बिल्कुल पीछे गार्डन के पीछे एक डेयरी शॉप है, अदरवाइज अपोजिट यूज करें तो राइट अपोजिट द गार्डन इज ए डेयरी शॉप, यानी गार्डन के बिल्कुल सामने एक डेयरी शॉप है। नेक्स्ट है नंबर 3, वी कैन नॉट सी व्हाट इज ब्लैंक द शॉप, यानी हम नहीं देख सकते कि शॉप के, तो जनरली मीनिंग निकलता है शॉप के पीछे, तो हम यहां यूज करेंगे बिहाइंड, बिहाइंड इज, बट वी कैन सी ए किड ब्लैंक द गार्डन, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि गार्डन में, तो यहां पर यूज करेंगे अपन इन या इनसाइड। तो वी कैन नॉट सी व्हाट इज बिहाइंड द शॉप, हम ये नहीं देख सकते कि शॉप के पीछे क्या है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि गार्डन में एक बच्चा है। नेक्स्ट है आपका नंबर 4, देर इज ऑल्सो ए पॉन्ड, देर इज ऑल्सो ए पॉन्ड ब्लैंक द टेम्पल विच इज फुल ब्लैंक डक, तो यहां पर हम देखें तो देर इज ऑल्सो ए पॉन्ड द टेम्पल, यानी एक पॉन्ड है वो टेम्पल के, अब टेम्पल के क्या होगा, या तो पीछे या बिल्कुल सामने, तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं, तो बिहाइंड भी यूज कर सकते हैं, या बिहाइंड की जगह चाहे तो आप ऑपोजिट भी यूज कर सकते हैं, यानी मंदिर के पीछे या मंदिर के सामने एक पॉन्ड है विच इज फुल ऑफ डक्स, यानी जो कि तालाब है वो डक से यानी बतखों से भरा है, तो यहां पर यूज हो जाएगा आपका ऑफ। नेक्स्ट है आपका नंबर 5, द डॉग इज स्लीपिंग ब्लैंक द सोफा, तो यहां पर सेंटेंस ये बता रहा है कि कुत्ता है वो सोफे के पीछे सो रहा है, सॉरी सोफे, अब इसके लिए अर्थ हो सकता है के पीछे भी हो सकता है या सोफे के अंदर, मतलब जहां बैठा है, क्योंकि सोफे के आर्म्स होते हैं, इसलिए हम यहां पर चाहे तो यूज कर सकते हैं इन या यूज कर सकते हैं बिहाइंड, तो दोनों सही है। नेक्स्ट नंबर 6, मदर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स ब्लैंक टू सिबलिंग, यानी मां ने दो भाई बहनों के बीच या भाइयों के बीच बहनों के बीच मिठाई डिस्ट्रीब्यूट की, तो टू का प्रयोग हुआ है, तो टू के लिए हम यहां दिया हुआ है बिटवीन, तो वो यूज करेंगे, तो यहां पर प्रपोजिशन होगा आपका बिटवीन। नेक्स्ट है आपका हु इज दैट पर्सन ब्लैंक द मास्क, यानी कौन है वो व्यक्ति मास्क, अब मास्क के पीछे, यानी चेहरे पर मास्क है तो मास्क के पीछे, तो यहां पर नंबर 7 में आएगा आपका प्रपोजिशन बिहाइंड, यानी चेहरे के पीछे या मास्क के पीछे
वह व्यक्ति कौन है। नेक्स्ट नंबर 8, द सीक्रेट प्लैंक ए हैप्पी लाइफ इज मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स। तो यहां पर आप देखे तो द सीक्रेट ए हैप्पी लाइफ तो यूज आएगा एक खुशहाल जीवन के का रहस्य, का के की का यूज कर रहे हैं हम, तो हम यूज करेंगे आपका ऑफ। नेक्स्ट है आपका द जूडो प्लेयर स्टूड ब्लैंक ईच अदर बिफोर दे बिगन देयर गेम्स। यानी जूडो प्लेयर है वो अपना गेम शुरू करने से पहले ईच अदर्स एक दूसरे के सामने, तो यहां पर सामने के लिए कोष्टक में दिया गया है आपका अपोजिट, तो हम यहां यूज करेंगे नंबर 9 में अपोजिट, यानी जूडो प्लेयर है वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। नेक्स्ट है आपका द ज्वेलरी इज ब्लैंक द लॉकर, तो यहां पर ज्वेलरी है वो लॉकर के भीतर है, तो हम यहां यूज करेंगे इनसाइड, या आप चाहे तो इनका भी यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट। तो द ज्वेलरी इज इनसाइड द लॉकर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने दिए गए प्रपोजिशन को हमने इन सेंटेंस में फिलअप किया। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।